नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। चंद्रघंटा शक्ति की तीसरा स्वरूप है। कहा गया है, शक्ति की देवी का चंद्रघंटा स्वरूप अद्भुत व विस्मयकारी है। माता के इस स्वरूप में इनके 10 हाथ हैं। इन हाथों में खड़क, त्रिशूल, गदा व धनुष बाढ़ जैसे दिव्य अस्त्र शस्त्रों के अलावा कमल पुष्प और शंख है। देवी अपने इस रूप में युद्ध के लिए तैयार दिखती हैं। युद्ध और शांति यद्यपि विपरीत शब्द है, लेकिन माता अपने इस स्वरूप में दोनों भाव लिए हुए हैं। क्या है देवी चंद्रघंटा की पूजा का महत्व? शेर पर विराजमान माता चंद्रघंटा की उपासना से साधकों में भय, भीरुता जैसे दुर्गुणों का नाश होता है और वे निर्भय होकर जीवन के हर संग्राम में अपनी वीरता का परिचय दे पाते हैं। शक्ति की इस देवी की पूजा अर्चना से न सिर्फ शौर्य व पराक्रम प्राप्त होता है, बल्कि सौम्यता व शरीर की क्रांति भी बढ़ती है। दुर्गा का चंद्रघंटा स्वरूप परम आह्लादकारी, शांतिदायक और कल्याणकारी है। माता चंद्रघंटा शौर्य व ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हैं। वह अपने भक्तों व साधकों को हर दुख व कष्ट से छुटकारा दिलाती हैं। सुख समृद्धि व बल पौरुष की आकांक्षा करने वाले व्यक्ति को नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। इससे घर व परिवार में शांति कायम रहती है। कीजिए सब्सक्राइब हमारे YouTube चैनल को, साथ ही Facebook, Twitter, Instagram, Google+ पर फॉलो कर लीजिए मजेदार वीडियो का आनंद। आप LinkedIn पे भी ज्वाइन कर सकते हैं।